राम राम जी, आप सबका स्वागत है हमारे अचार 19 देसी रसोई में। आज हम बनाएंगे भेलपूरी, वो भी बाजार जैसी। ये मैंने एक बड़ी कटोरी मुरमुरा खील ली है, जिसे हम नमकीन खील भी कहते हैं। आधी कटोरी भुने चने और आधी कटोरी आलू भुजिया ली है। एक बारीक कटा प्याज, एक नींबू, एक बारीक कटा टमाटर और एक हरी मिर्च। कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें एक चम्मच घी डाल देंगे। घी गरम हो गया, अब आधी चम्मच हल्दी डाल देंगे। हल्दी पक गई है, अब मुरमुरे डाल देंगे और 2 मिनट तक धीमी आंच पर पका लेंगे। अब किसी बर्तन में निकाल लें और ठंडा होने दें। अब डाल देंगे बारीक कटा प्याज, टमाटर, एक बारीक कटी हरी मिर्च, भुने हुए चने और आलू भुजिया। थोड़ा सा सूखा हरा धनिया, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी काली मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच आमचूर पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, और एक नींबू निचोड़ के डाल देंगे। अब अच्छे से मिक्स कर लें। चटपटी स्वादिष्ट भेलपूरी बनकर तैयार। ऊपर से थोड़ी सी और आलू भुजिया डाल दें। अब सर्व करेंगे और बाजार की तरह किप में डालकर खाएं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।